नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबर की ओर। खबर जनपद मिर्जापुर से है। थाना बढ़ियान क्षेत्र अंतर्गत हुई लूट की घटना से संबंधित 25,000 का इनामिया पांचवा अभियुक्त गिरफ्तार किया गया। कब्जे से लूट की घटना से संबंधित आभूषण व नकदी भी बरामद किए गए हैं। विस्तार पूर्वक से थाना मड़िहान पर दिनांक 15 जनवरी 2024 को वादी अजीत कुमार केसरी पुत्र स्वर्गीय महावीर केसरी निवासी दारानगर थाना मड़िहान द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि उसके भाई द्वारा कलवारी बाजार में स्थित दुकान को बंद करके घर आते समय रास्ते में चार पहिया वाहन से ओवरटेक कर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मारपीट कर गोली चलाकर 30,000 रुपये नकदी व आभूषण से भरा बैग छीन लिया गया था, जिसके संबंध में थाना मड़िहान पर पंजीकृत उक्त अभियोग में कार्रवाई के क्रम में 25,000 के इनामिया दो अभियुक्तों सहित चार को गिरफ्तार किया गया था और लूट की घटना से संबंधित आभूषण का वजन 6.712 किलोग्राम सफेद धातु व आभूषण 55.69 ग्राम पीली धातु कीमत करीब 8,00,000 रुपए एवं लूट की घटना में अवैध तमंचा में जिंदा का खोखा कारतूस तथा कार व मोटरसाइकिल बरामद की जा चुकी है। थाना मड़िहान पर पंजीकृत विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना के दौरान प्रकाश में आए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर अभिनंदन द्वारा 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। थाना मड़िहान SOG व सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा थाना मड़िहान क्षेत्र अंतर्गत 25,000 के इनामिया पांचवें अभियुक्त बांके उर्फ बंगा चौधरी उर्फ शिव गोविंद पुत्र स्वर्गीय बासदेव चौधरी निवासी लेवड़ा थाना नोखा जनपद रोहतास बिहार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से घटना में संबंधित एक अंगूठी, एक लॉकेट पीली धातु तथा 1500 रुपए नकद बरामद किया गया। थाना मड़िहान पुलिस द्वारा नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेजा गया। गिरफ्तार अभियुक्त बांके उर्फ बंगा चौधरी उर्फ शिव गोविंद द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर सराफा व्यापारी के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। आइए सुनते हैं कि इस लूट की घटना के बारे में अपर क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन क्या बता रहे हैं। मैं जनवरी माह में एक बड़ी लूट की घटना कार्य की गई थी। एक आभूषण व्यापारी के साथ गोली मार के लूट की गई। उस समय अज्ञात में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। बाद में 6 लोग इसमें प्रकाश में आए थे। 4 की गिरफ्तारी हो चुकी थी, 2 अभी गिरफ्तार होना शेष थे। उसी क्रम में आज एक बांके बंगा जो थाना रोहतास और बिहार का रहने वाला है वो गिरफ्तार हुआ है। और इसमें हमारी थाने की टीम SOG और सर्विलांस ने काफ़ी मेहनत किया, इस प्रकार इसकी गिरफ्तारी हुई। इस गिरफ्तारी से खुश होकर SP महोदय ने 25,000 का इनाम भी दिया है। क्या ये जो आरोपी पकड़ा है इसका पुराना भी कुछ आपराधिक इतिहास रहा है? अभी तक इसके बारे में जाँच की जा रही है। हालाँकि ये सातिर लुटेरा है और जल्द ही इसके बारे में जो भी अपराध होंगे उसके हिसाब से विवेचना में इसको प्रकाश ला के कार्रवाई की जाएगी।